गाइज एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल पंजाबी फैमिली व्लॉग। आई होप तुसी सारे एकदम वधिया हो गए। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह से है। आज मैंने सोचा यार कुकिंग कर लेते हैं, तो मैंने रिसेंटली एक रेसिपी देखी थी बर्गर की, तो मेरे हस्बैंड ने बोला यार तू रेसिपी ही देखती है क्योंकि वह कुछ बना के भी खिलाएगी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनको बर्गर बना के खिलाती हूँ। तो बर्गर की एकदम ईजी रेसिपी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है और एकदम टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। तो चलते हैं फिर ब्लॉग के साथ, बने रहिएगा और देखिए मैं बर्गर कैसे बनाती हूँ। बर्गर जल्दी से बढ़िया सा डिलीशियस बर्गर बनने वाला है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैंने यहाँ पे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी किए हुए हैं क्योंकि मैंने पूरी प्रिपरेशन करके रखी हुई है। मुझे सिर्फ पूरा स्टफ तैयार करना है, तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ है। तो मैं बाय वन मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ कि मतलब मैंने क्या क्या चीज़ ली हुई है, क्या क्या चीज़ मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बर्गर में यूज़ किए हुए हैं। तो फर्स्टली मैं बताती हूँ, ये हमारा बन, मेयोनीज, टमाटो सॉस, अमूल बटर, रेड चिली सॉस, चीज़, रिफाइंड ऑयल एंड ब्रेड क्रम्स। एंड ये है मैदा, हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड अमचूर पाउडर। ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं या आप चलिए मैं दिखाती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। मुझे थोड़ा सा धनिया पाउडर कम लग रहा है तो मैं इसे और ऐड करूंगी। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। अपने रिस्क के साथ आप ऐसा यूज कर सकते हैं।
बटर को हम तवे पे स्प्रेड करेंगे लाइक दिस, इसे स्प्रेड करेंगे पूरा। एज यू कैन सी मैं पूरे तवे पे इसको स्प्रेड कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं इसमें अपने बर्गर को टोस्ट करूंगी। बर्गर को मुझे अंदर से करना है, ऊपर से नहीं करना है, हमें अंदर का बेस टोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं अंदर से कर रही हूँ और आप देखते रहिएगा कि कितना रेड हो रहा है, क्योंकि अंदर से रोस्ट हो जाना चाहिए। सो मेरे ये बर्गर रोस्ट हो चुके हैं, मैं इसको साइड कर लेती हूँ और अब मैं अपने दो और कर लेती हूँ। इसी तरह आप करिए। मैं आपसे बर्गर रोस्ट करने के बाद में अपने सारे बन को टोस्ट कर लिया है, अब मैं इसको रेडी करने जा रही हूँ। तो फर्स्टली मैंने ये नीचे का बेस लिया है और मैं इसमें अपनी बर्गर सॉस को स्प्रेड करूँगी। एज यू कैन सी मैं पूरे में स्प्रेड कर रही हूँ, अच्छे से मैं इसको स्प्रेड करूँगी। और अब मैं इसमें रखूँगी अपनी पनीर टिक्की और इसमें मैं रखूंगी चीज स्लाइस। आप इसको ऐसे कट करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप यूज़ करते हो, मैं तो इसको ऐसे ही इजी यूज़ करती हूँ। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको एक और कट मारते हैं। और ये कट हो चुका है और ऐसे हम इसको अपने बर्गर पे लगा लेंगे लाइक दिस। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऑनियन रखूंगी। मैं अनियन के रिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप अनियन यूज़ कर सकते हैं, पूरा अनियन भी, मतलब ऐसे स्लाइस में। और फिर उसके बाद मैं इसमें इसको ऐसे कवर अप कर दूंगी। सो मेरा ये बर्गर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ये मेरा बर्गर रेडी हो गया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। और ट्राई करते हैं बर्गर कैसा, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगी ये कितना डिलीशियस है। सो गाइस अपने घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। टिल देन बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।